जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ भी रहे होंगे। सो दिस इज़ अवर कंप्यूटर क्लास। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से हमारे ज्वाइन हुए थे गूगल मीट से, उन्हें ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था एंड इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको सेंड कर दिए थे। बट जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए ये वीडियो है, और जो बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनका ये चैप्टर का रिविज़न भी अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपको फिर से वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। सो जैसा कि अभी आपने देखा कि आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 को अगेन फिर से पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर्स आर अमेजिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर नंबर 1 इज़ कंप्यूटर्स आर अमेजिंग। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्यूटर आर अमेजिंग। इसका मतलब कंप्यूटर एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है। कंप्यूटर एक बहुत ही अद्भुत मशीन है जो हमारे लाइफ में बहुत यूज़फुल है, और कंप्यूटर का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आजकल आपको हर फील्ड में, हर शॉप में और मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, इट मीन्स आपको हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो ये कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है और किस किस जगह पर इसका क्या क्या यूज़ किया जाता है, इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर का यूज़। सो कम टू द फर्स्ट लाइन, आप लोग फर्स्ट लाइन देखिएगा। डू यू नो अबाउट वॉट अ टूल इज़। क्या आपको पता है कि टूल क्या होता है? टूल मीन्स होता है औजार, टूल मीन्स होता है औजार। जैसे कोई भी अगर इंसान है, कोई काम करता है, तो उसे वो काम करने के लिए किसी ना किसी एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, चॉक डस्टर की ज़रूरत पड़ती है, मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। अगर टेलर कोई काम करता है तो उसे मशीन की ज़रूरत पड़ती है, धागे की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, सुई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसका टूल्स हो गया। अगर डॉक्टर हैं तो उन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो उन लोग डॉक्टर्स लोग अपने गले में लगाते हैं ना, उसे आला भी हम लोग कहते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, है ना। अगर हम कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर के पास भी अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे हैमर हो गया, हथौड़ा, एक्स, कुल्हाड़ी हो गया, नेल्स, नेल्स मतलब खीले, है ना। इसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कारपेंटर के पास जो उसे काम करने में हेल्प करती हैं। तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो भी इंसान कोई काम करता है तो उसे जो भी टूल की ज़रूरत पड़ती है उसका क्या यूज़ होता है, और कंप्यूटर हमारे अलग अलग फील्ड में जो यूज़ होता है वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किस लिए होता है, और वहाँ पर क्या काम होता है कंप्यूटर से। ओके, यस, अगेन आगे देखिए। अ कंप्यूटर इज़ समथिंग विच हेल्प्स अस डू आवर वर्क। टूल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम में हमारी हेल्प करती है। पीपल यूज़ डिफरेंट टूल्स टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के कामों को करते हैं तो वो अलग अलग टूल्स का भी यूज़ करते हैं। Shown below are some tools as well as the people who use them. नीचे कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं और जो इंसान इस टूल का यूज़ करते हैं उनकी भी यहाँ पर फ़ोटो बनी हुई है, आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पर एक टेलर है, टेलर इसमें से किस चीज़ का यूज़ करेगा? स्टेथोस्कोप का करेगा कि हैमर का करेगा कि चॉक डस्टर का कि स्विंग मशीन का? यस एग्जैक्टली, स्विंग मशीन का करेगा। तो टेलर किसका यूज़ करेगा? स्विंग मशीन का, सबसे फोर्थ वाला, है ना। नेक्स्ट आता है उसके नीचे कारपेंटर। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, बढ़ई का मतलब होता है जो फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी से, उनका काम होता है लकड़ियों को काट करके उनका फर्नीचर बनाना, तो उन्हें कारपेंटर हम लोग कहते हैं। तो कारपेंटर किस चीज़ का यूज़ करेगा? स्टेथोस्कोप, हैमर एंड एक्स की चॉक डस्टर। यस एग्जैक्टली, सेकेंड थिंग, हैमर एंड एक्स, सेकेंड पिक्चर, हैमर और एक्स का यूज़ करेगा, हथौड़ी का यूज़ करेगा। नेक्स्ट है बी डॉक्टर। अब डॉक्टर किस चीज़ का यूज़ करेगा आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ए नंबर स्टेथोस्कोप का यूज़ करेगा। नेक्स्ट इज़ टीचर।
टीचर किस किस का किस चीज़ का यूज़ करते हैं। लास्ट बचा है हमारे पास चॉक एंड डस्टर, चॉक एंड डस्टर का टीचर यूज़ करेंगे। ओके कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल टूल, लेट अस एक्सप्लेन। कंप्यूटर भी एक बहुत ही यूज़फुल टूल है और इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के यूज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर किस किस चीज़ में काम आता है हमारे। चलिए हेडिंग देखिए, कंप्यूटर अ यूज़फुल टूल, कंप्यूटर एक उपयोगी औजार। यूज़फुल मतलब उपयोगी, जो हमारे उपयोग में आता है, हमारे काम में आता है। अ कंप्यूटर हेल्प अस इन मैनी डिफरेंट थिंग्स, कंप्यूटर बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करता है। दीज डेज वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट अ कंप्यूटर, आज के टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते कि बिना कंप्यूटर के हमारी लाइफ कैसी हो सकती है, क्योंकि हर जगह पर कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। तो अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट पिक्चर आपका लिखा हुआ है डॉक्टर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और ये किस किस चीज़ में काम करते हैं आप लोगों को याद करना है। सबसे पहला इज़ डॉक्टर, फर्स्ट इज़ डॉक्टर। आई यूज़ अ कंप्यूटर टू स्टोर मैनी पेशेंट्स फाइल, हमने डॉक्टर से पूछा भैया डॉक्टर आप कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो डॉक्टर ने जवाब दिया आई यूज़ अ कंप्यूटर टू स्टोर माई पेशेंट्स फाइल, हम कंप्यूटर का यूज़ करके अपने पेशेंट के फाइल को सेव करते हैं। कोई पेशेंट अगर गया, कोई अगर मरीज़ है, उसे किसी चीज़ की बीमारी है, तो कंप्यूटर क्या करते हैं उसकी सारी डिटेल्स को कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं ताकि वो दोबारा आए तो हम बिना उससे पूछे अपने कंप्यूटर में देख करके उसे कौन सी बीमारी है उसे दवा दे सकते हैं, उसे मेडिसिन दे सकते हैं और जो भी सारी उसकी चेकअप वगैरह है और उसकी जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर अंकल ने कहा कि मैं कंप्यूटर का यूज़ करके अपने पेशेंट की फ़ाइल को सेव करता हूँ। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टीचर के पास। यस टीचर, टीचर यस आप बताइए आप कंप्यूटर का यूज़ क्यों करती हैं। यस तो टीचर ने जवाब दिया आई यूज़ अ कंप्यूटर टू टीच माई स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का यूज़ करके मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे जो सामने स्मार्ट बोर्ड है उससे देख करके अपने कंप्यूटर में उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। ओके तो क्लास में कंप्यूटर का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टूडेंट के पास। यस स्टूडेंट मतलब जो आप लोग हैं, आप लोग भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो पूछते हैं आप क्यों यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया आई यूज़ अ कंप्यूटर टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, कंप्यूटर का यूज़ करके मैं अलग अलग चीज़ों को सीखता हूँ, इसमें हम अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। समटाइम्स आई प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, कभी कभी मैं कंप्यूटर में गेम भी खेलता हूँ, कंप्यूटर में गेम भी खेलता हूँ, पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हैं तो गेम भी खेलने लगते हैं। तो कंप्यूटर में आप लोगों का काम ये होता है कि आप क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके नई नई चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्किटेक्ट के पास। यस आर्किटेक्ट बताएंगे आप कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो आर्किटेक्ट ने जवाब दिया आई यूज़ अ कंप्यूटर टू ड्रॉ बिल्डिंग प्लान्स, कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग बिल्डिंग्स की प्लानिंग करते हैं। आर्किटेक्ट कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स को बनाते हैं। ओके इसकी डिज़ाइन बनाते हैं कि बिल्डिंग हमारी कैसी बननी है, उस बिल्डिंग का डिज़ाइन कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसका मैप बनाते हैं और उसी हिसाब से बिल्डिंग को बनाया जाता है। जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं 20 फ्लोर्स की 30 फ्लोर्स की, उसे पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसका प्लान बनाया जाता है, उसके बाद उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का यूज़ करके आर्किटेक्ट क्या करते हैं, बिल्डिंग को प्लान करते हैं। आप लोग याद करना है आपको सबको कि कौन से पीपल किस चीज़ का यूज़ करते, मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके क्या काम करते हैं। ओके कम टू द नेक्स्ट पेज। यस नेक्स्ट इज़ ऑफिसर। यस ऑफिसर से पूछेंगे यस ऑफिसर अंकल आप कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो ऑफिसर सर ने आंसर दिया आई यूज़ अ कंप्यूटर टू कीप फाइल्स एंड मेंटेन अकाउंट्स, हम लोग बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ पर रखे होते हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, वहाँ पर जो भी अकाउंट्स होते हैं लोगों का, वहाँ पर खाता होता है जिसमें वो पैसे जमा करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए और फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है। ऑफिसर क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके सारी फाइल्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेव करते हैं
और उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते, कितना पैसा निकाला गया, कितना पैसा फिर से जमा कराया गया, इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें मेंटेन किया जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज़ फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स, फीचर्स मतलब होता है इसके गुण, इसकी खूबियाँ। कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे यूज़फुल हैं, हमारे काम में आता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, अ कंप्यूटर इज़ अ टूल, हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर एक टूल है, एक औजार है, एक टूल है जो सभी के काम में आता है। इट मेक्स अवर वर्क ईजियर, कंप्यूटर का यूज़ करके हम अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कंप्यूटर हमारे काम को और आसान बनाता है। लेट अस टेक अ लुक एट अ वेरियस फीचर ऑफ अ कंप्यूटर, चलिए आइए कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फास्ट, मतलब कंप्यूटर बहुत ही फास्ट मशीन है। कंप्यूटर वर्क्स रियली फास्ट, कंप्यूटर वाकई में बहुत फास्ट वर्क करता है। अगर किसी इंसान को कोई चीज़ अगर दे दिया जाए तो उतना फास्ट वो नहीं कर सकता जितना कि फास्ट कंप्यूटर कर लेता है। इट कैन डू टफ कैलकुलेशंस इन ओनली फ्यू सेकेंड्स, कंप्यूटर का यूज़ करके चाहे जितना टफ कैलकुलेशंस हो, कितना हार्ड कैलकुलेशंस हो, मैथ के क्वेश्चंस हो, वो कुछ ही सेकेंड्स में उसके आंसर हमको दे देता है। सपोज दैट अगर किसी इंसान को कहें कि हम कोई बहुत 5 या 6 डिजिट का अगर एडिशन दे दें तो वो बहुत फास्ट नहीं कर सकता, और अगर बहुत फास्ट करने की कोशिश भी करेगा तो जल्दी जल्दी में उसका आंसर भी गलत हो सकता है। बट कंप्यूटर चाहे जितना भी बड़ा कैलकुलेशंस हो, उन्हें कुछ ही सेकंड में उसका आंसर तुरंत दे देता है। यस, नेक्स्ट इज परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस, कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शंस करता है। फंक्शन मतलब कार्य, बहुत सारे कामों को करता है। वी यूज़ अ कंप्यूटर टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, कंप्यूटर का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग गेम खेलते हैं। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ द कंप्यूटर टू ड्रॉ एंड पेंट, कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग ड्राॅइंग बनाते हैं और पेंट भी करते हैं, उसका उसमें पेंट भी करते हैं, उसमें कलर भी फिल करते हैं। वी कैन वॉच मूवीज़ यूजिंग CDs और DVDs ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग मूवीज़ देख सकते हैं। ऐसे तो हम लोग मूवी TV में देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी हम लोग मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस मूवी की CD या DVD कंप्यूटर में लगानी पड़ती है। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ द कंप्यूटर टू कैलकुलेट, कंप्यूटर का यूज़ हम करके हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर का यूज़ हम लोग कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में। मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करना है ना, तो कैलकुलेशंस उसे कहते हैं। चलो, नेक्स्ट हेडिंग इज़ मल्टी टास्किंग, मल्टी मतलब बहुत सारे, टास्किंग मतलब कार्य, मतलब काम, जो ये जो कंप्यूटर होता है बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कैन यू रीड अ बुक, क्या आप किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। राइट अ नोट एज वेल एज डू योर मैथ सम एज द सेम टाइम, अगर आपसे कहा जाए कि आप बुक भी रीडिंग करिए और आप अपना एक नोट भी लिखिए, नोट्स मतलब आप कुछ लिखते भी रहिए और आप रीडिंग भी करते रहिए, साथ ही साथ अपन मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए, तो ये तीनों काम एक साथ नहीं हो सकता। कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट अ कंप्यूटर कैन डू ऑल द दीज थिंग्स एट अ सेम टाइम, लेकिन कंप्यूटर ये सारे कामों को एक साथ कर सकता है, तो इसे कहते हैं मल्टी टास्किंग। ओके, नेक्स्ट आता है एरर फ्री, एरर फ्री, एरर मतलब होता है गलतियाँ, फ्री मतलब जो गलती ना करे। यू कैन मेक मिस्टेक वाइल सॉल्विंग सम्स, मैंने बताया आपको कि अगर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपसे गलती हो सकती है, बट कंप्यूटर से कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन कभी मशीन से कोई गलती नहीं हो सकती है। तो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, यस नेक्स्ट पेज है, बट अ कंप्यूटर नेवर मेक सच मिस्टेक्स, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं करता है। इट इज़ एरर फ्री, ये बिना गलती किए हुए सारे कामों को करता है। नेक्स्ट इज़ टायरलेस, टायर मतलब थकना और लेस मतलब जो ना थके कभी। इंसान कोई भी काम को करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन कभी नहीं थकती है, तो कंप्यूटर भी नहीं थकता है। यू कैन गेट टायर्ड वाइल स्टडिंग, पढ़ते पढ़ते आप कभी कभी क्या होता है, थक जाते हैं, बट अ कंप्यूटर नेवर टायर्स, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, कंप्यूटर लंबे समय तक बिना टायर हुए, बिना थके हुए काम कंटिन्यू करता रहता है। इंसान कोई भी काम करता है थोड़ी देर के बाद थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार काम करते करते भी नहीं थकता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज, स्टोरेज मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी।
स्टोरेज अ मैन में फॉरगेट ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड. कंप्यूटर इंसान क्या होता है, अगर किसी चीज़ को याद करता है तो वो कुछ समय के बाद भूल जाता है. देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ आपको याद कराए दें या आप खुद याद करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में चली जाती है, हमारे दिमाग में चली जाती है, माइंड में चली जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो माइंड से डिलीट भी हो जाती है और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं. कोई आंसर हम लोग याद करते हैं, हो सकता है स्कूल जाते हैं फिर भूल जाते हैं, टीचर पूछते हैं तो आप लोग सोचते हो यार कल तो हम लोग ने शाम को पढ़ा था लेकिन अभी फिर से भूल गए. तो इंसान के अंदर भूलने की एक फीचर होता है, भूलने की एक खूबी होती है कि इंसान किसी भी चीज़ को भूल सकता है, बट कंप्यूटर कभी भी किसी चीज़ को नहीं भूल सकता. अगर हमने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सेव कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस कंप्यूटर में सेव रहती है. हम कभी भी ओपन करके देखेंगे 10 साल बाद 20 साल बाद वो हमेशा कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती है और कभी भी वो चीज़ को नहीं भूलता है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ डिसीजन. तो डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना. डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना, किसी भी काम के ऊपर हमें करना क्या है उसे कहते हैं डिसीजन. अ मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन. एक इंसान अपना सारे डिसीजंस को खुद लेता है कि हमें क्या करना है. बट अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस. लेकिन कंप्यूटर कभी भी अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है. हम कंप्यूटर को जैसा चलाते हैं वैसे कंप्यूटर चलता है, वो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. अगर वो चल रहा है और चलते चलते अगर उसे लगा कि मैं बंद हो जाऊँ तो अपने से नहीं बंद हो सकता, मतलब वो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. नेक्स्ट हेडिंग इज़ ऑर्डर. अ कंप्यूटर वर्क ऑन मैंस ऑर्डर. जो कंप्यूटर होता है वो इंसान के ऑर्डर पर काम करता है. इंसान जो भी कहते हैं, चलाने वाला जो भी कहता है, चलाता है कंप्यूटर वैसे ही चलता है. वन हैज़ टू गिव द इंफॉर्मेशन टू डू द कंप्यूटर टू वर्क. किसी भी एक इंसान को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है तभी जाकर वो कंप्यूटर वर्क करता है, चलता है. कंप्यूटर अपने से कभी भी नहीं चलता. कंप्यूटर को हम लोग बोले 5 + 5 करो तो वो सुन के थोड़ी काम करता है हमारा, हमें उसे टाइप करना पड़ता है 5 + 5, तब वो आंसर हमें मॉनिटर पर दिखाएगा. तो ऑर्डर फॉलो करता है कंप्यूटर. क्या करता है, इंसान के ऑर्डर को फॉलो करता है. इंसान जो भी कहते हैं कंप्यूटर उस चीज़ को करता है, अपने से कोई भी काम नहीं करता है. तो ये था आप लोगों का कंप्यूटर का पूरा चैप्टर कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर किस किस जगह पर कौन कौन से काम करने के लिए यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं. तो आप लोग फिर से ये चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिएगा और अभी भी अगर आपको चैप्टर ना समझ में आया हो तो आप फिर से इस वीडियो को फिर से देखिएगा. फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे सैटरडे को पूछ सकते हैं. सैटरडे को गूगल मीट पे क्लास होगी और आप वहाँ पर अपने अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, सर ये क्या होता है, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया. इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइजेस दी गई हैं. इस एक्सरसाइजेस को हमने आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड भी किया गया था और आप लोगों ने इस चैप्टर को कर भी लिया होगा अपने बुक में. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो फिर से हम सेंड कर देंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे, तो आप लोग इसका फिर से कर लीजिएगा. ओके, तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है. नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब भी आएंगे तो चैप्टर नंबर 1 का अच्छी तरीके से पढ़ करके आएंगे, तभी आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 समझ में आएगा. ओके, जय हिंद.